सोलन में बरौरी में बीती रात NH5 पर दो वाहन एक ही गड्ढे में गिर गए। इन दोनों वाहनों में चार लोग सवार थे। गनीमत यह रही कि इन्हें हल्की चोटें आई हैं। रात को 2:30 बजे पहले पिकअप इस गड्ढे में गिरी जिसमें तीन लोग सवार थे। यह पिकअप कोटखाई से सेब लेकर चंडीगढ़ की ओर जा रही थी। उसके बाद करीबन 4 बजे एक और कार ब्रूरी के समीप से आई और वह भी इस गड्ढे में गिर गई। इस कार में एक युवक सवार था, वह भी सुरक्षित बताया जा रहा है। रात को जब ये घटना घटी तो आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और घायलों को वाहन से बाहर निकाला गया। अभी वह घायलों को निकाल कर घर पहुंचे ही थे कि दूसरे कार की गिरने की आवाज आई, उसे भी गड्ढे से बाहर निकाला गया। क्षेत्रवासियों ने इस घटना का जिम्मेवार NHAI को ठहराया है। फोरलाइन का निर्माण करने के लिए उन्होंने एक गड्ढा बना दिया है जिसे उन्होंने भरा नहीं है। रोड संकरा होने के कारण वाहन इस गड्ढे में गिर रहे हैं। मेरा नाम रमित है सर, मैं कोटखाई से गाड़ी लेके आ रहा था टीर से, पर उसे बड़ी गाड़ी वाला आया ट्रोले वाला, उसने ओवरटेक कर रहा था, मैंने थोड़ी बाहर को गाड़ी काटी, मेरी गाड़ी बाहर, ये वजह सर इनकी ये रोड ये सर ये दुनिया कोई बैरिगेट वगैरह लगा हुआ नहीं। सर इसके कारण ये NH वालों की लापरवाही है जो उन्होंने डंगे प्रॉपर नहीं किए, या तो शायद इसको भरते मिट्टी वगैरह कुछ तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। जो दुर्घटना हो नीचे को बहुत बड़ी कॉलोनी, अगर ये गाड़ी अगर बाई चांस से डंगा नहीं होता तो नीचे लोगों को तो फेस करनी पड़ती है। सर बहुत बार अभी तो हमने पीछे से अभी दिखाया भी था, मौका दिखाया था, पटवारी कानगो वगैरह भी आए थे, NH वालों को भी बुलाया गया था। एक तो यहाँ प्रॉब्लम पानी का बहुत बड़ा इशू है, पानी का भी है और ये दुर्घटना हो रही बार बार, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये रात को हुआ सर, ये ना ये रात को ये कल 2:30 बजे के करीब हुआ, और 1:05 बजे और एक हादसा इसके ऊपर, एक गाड़ी और गिर गई इसके ऊपर। और सर देखो आपके सामने कितना नुकसान हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है, और पर बच गए सारे, बच गए सर, जानी मान नुकसान नहीं हुआ। वो नहीं लगता कि यहाँ पर प्रशासन की ही लापरवाही नजर आ रही है? लापरवाही तो है सर, ये आपके सामने ही है सर। ड्यू टू बैरिगेट जो है फोर लाइन के पास जो भी हुआ है एक्सीडेंट, यहाँ बैरिगेट होना बड़ा जरूरी है कि ताकि बंदे को लाइट और बैरिगेट, ताकि बंदे को पता लग जाए कि यहाँ रोड ऐसा है, कुछ ना कुछ या पैरापिट लग जाए कुछ भी, फिलहाल जब तक रोड का काम नहीं होता कुछ ना कुछ तो इनको यहाँ करना चाहिए, लगाना चाहिए बैरिगेट वगैरह, ताकि गाड़ी वाले एक्सीडेंट से बचे। मेरा नाम रॉबिन है, मैं यहीं रहता हूँ। इसका NH की लापरवाही है ये सारा एक्सीडेंट का कारण। इन्होंने ये बहुत टाइम से पेंडिंग कर छोड़ रखा हुआ है, इतने से पैच के लिए इनके पास बजट नहीं आ रहा है, बाकी इन्होंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं काम। शायद ही किसी की जान, जब तक किसी की जान नहीं गई तब तक का वेट कर रहे हैं, उसके बाद शायद पैच को कम्प्लीट करेंगे। इसकी शिकायत भी बहुत बार कर चुके हैं हम और कंप्लेंट भी कर चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता।